पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के सहयोग, सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन से पूर्व नगर सेविका जाया सतनाम सिंह तिवाना के अथक प्रयत्न से और DPDC फंड से इसरो चंद्रयान 3 पॉइंट का विद चौकी सिग्नल मलाड पश्चिम में भूमि पूजन किया गया। करेंगे तो काम शुरुआत हो सकते, वरना लटक के बारिश के बाद भी जा सकता है, इसलिए हमने सोचा कि जल्दी हम इसका भूमि पूजन करें, काम की शुरुआत करें। आदरणीय सांसद साहब भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, मुझे लगता है 2 से 3 मिनट में हमारे बीच में आएंगे, अपना मनोगत रखेंगे। आप सभी बड़ी संख्या में आए इसलिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी के लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था भी हमने रखी है, तो कार्यक्रम के बाद करेंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि गिरधर पक्ष से भी कुछ हमारे आए हैं, उनके साथ में साथियों चाय दहीसर से लेके मलाड तक अनेक ऐसे जो मुंबई उपनगर के पालक मंत्री है कि उन्होंने DPDC का फंड उपलब्ध कराया और महानगर पालिका का भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने NOC दे दी। जाए चाहे बोरेली रोड की तरफ जाए, चाहे ऑर्लम चर्च की तरफ जाए, ऐसे लाखों मलाड के मुंबई के रहवासी आते जाते हुए चंद्रयान 3 का पॉइंट देखेंगे और हमेशा याद रखेंगे। वो एक मतलब ऐतिहासिक एक स्पॉट ऐसे मलाड को आज मिलने जा रहा है और उसका आज भूमि पूजन करने हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब हमारे बीच में है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी मुंबई के सचिव और मलाड के चुनाव प्रमुख ऐसे मुंबई युवा मोर्चा का अध्यक्ष तेजिंदर दीवाना, यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, नगरजन भाई और बहनों, आप सबके ओर से और हम सबके ओर से मैं जयाबेन दीवाना और मुंबई महानगर पालिका का अभिनंदन करता हूँ। एक शानदार चौक को चंद्रयान 3 का नाम देकर आने वाले दिनों में इस चौक का शोभा बढ़ाने का काम आप कर रही हो। ये होने से सिर्फ चौक का शोभा ही नहीं बढ़ेगा तो आने वाले पीढ़ी को एक बहुत लंबा समय तक हमारे देश में जो प्रगति की है उसकी जानकारी मिलेगी और आते जाते समय रोड से जो भी आएंगे जाएंगे और जब पढ़ेंगे चंद्रयान 3 चौक तो उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के साइंटिस्टों के ऊपर बहुत गर्व और फख्र महसूस होगा। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, सब क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्निक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, जो दुनिया के विकसित देशों ने नहीं कर पाया ऐसा सारा काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है। ये हम सब भारत देश के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये जो साइंटिस्ट लोगों ने जो किया, कभी कभी आप लोग को लगता है कि इससे क्या फ़ायदा होता है। ये जो चंद्रयान 3 का जो सफल प्रयोग हुआ इससे पूरे दुनिया भर के देश के लोग हिल गए और भारत देश की ताकत को, भारत देश की शक्ति को वो पहचान गए। और ये जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अपने देश में आ रहा है इसमें इसका बहुत बड़ा लाभ होता है, इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। इसलिए आने वाले दिनों में भारत देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत देश के हमारे सारे बच्चे इन दिनों में पढ़ लिख कर बहुत आगे जा रहे हैं और जो छोटे छोटे बच्चे इन दिनों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जो पराक्रम लोग कर रहे हैं ये देखते ही बनता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये चौक बहुत अच्छी तरह से बने। ये चौक का जब मैं दीवाना से बात किया, मैंने सामने दुकान वाला है उससे भी बातचीत कर लो, उसको परेशानी भी ना हो, चौक के वजह से उनके दुकान का भी शो आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। कहाँ है तो बाबा, ये चंद्रयान 3 के बाजू का सामने का दुकान मेरा है, लेफ्ट साइड का दुकान मेरा है, राइट साइड का दुकान मेरा है, इस प्रकार से इसका एड्रेस देने के लिए भी इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और मैं मानता हूँ कि एक अच्छा चौक बना है तो उसका हम सब लोगों ने मिलकर स्वागत करना चाहिए। विनोद सेलार हो, तेजिंदर तिवारा हो, जया बहन हो, इन सारे लोगों ने बहुत सारे कामों की जानकारी दी है और मैं अपने आप में गर्वित इसलिए भी महसूस करता हूँ कि पिछले
15 दिन में हमने 4 बड़े बड़े प्रकल्पों का उद्घाटन किया, जिसमें एक बड़ा सबसे बड़ा प्रकल्प मंडपेश्वर गुफा जो 1800 साल से बोरीवली दहिसर के परिसर में स्थापित है, उस गुफा को हम सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लाकर उसका सब परिसर को सुशोभीकरण करने का काम किया। और बोरीवली और दहिसर के नगर जनों ने हमको 18 किलो चांदी दी और उस चांदी से हमने भगवान शंकर जी का जो प्रतिमा है उसको बनाने का काम हमने किया। आने वाले दिनों में इसकी खूबसूरती और इसकी सुंदरता और बनाने के लिए हम आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। इसी रोड पर लिंक रोड पर आगे आप जाएंगे तो इन्फिनिटी मॉल के सामने जो महाराणा प्रताप क्रीडांगन हमने बनाया, वो मुझे लगता है कि पूरे मुंबई शहर में ऐसा मल्टीपर्पज़ खेल का जहाँ पर आयोजन होने वाला है और उसका काम भी इतना अच्छा हुआ है, कोई कह नहीं पाएगा कि ये गवर्नमेंट के फंड से भी इतना अच्छा काम हो सकता है क्या। तो ये हमने करके बताया क्योंकि उसमें मेरा पर्सनल अटेंडेंस, मैं जो भी काम करता हूँ तो उसमें मैं स्वयं ध्यान देकर काम करता हूँ, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उसमें जुट जाते हैं, तब जाकर इस प्रकार का इतना अच्छा प्रकल्प बनता है। परसों हमने अतरवा कॉलेज के सामने फिर एक बार वहाँ पर आर्ट स्कूल के बच्चे पढ़ाई करते हैं और उस परिसर के लोगों के लिए भी वहाँ पर भी एक अच्छा स्पोर्ट्स का एक्टिविटी का हमने उद्घाटन किया। कल शाम को हमने मालूनी जिमखाना का उद्घाटन किया, वो भी देखते ही बनता है और बहुत शानदार वो प्रकल्प हुआ है और जिसका उद्घाटन मैं कल कर पाया। और ये जितने भी प्रकल्प तैयार हुए थे उनका सारे का सारा उद्घाटन हमने किया और इसके साथ साथ में जो 7 एकड़ का थीम पार्क बन रहा है। हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सांसद गोपाल शेट्टी जी, जिनके प्रयासों से ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे पूर्व नगर सेविका जया तिवाना जी, युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष तेजिंदर जी, जमनानी जी, वार्ड अध्यक्ष अरविंद यादव, उनके सभी महामंत्री और दोस्तों, मुझे लगता है लगातार ये तीसरा कार्यक्रम, ये हफ्ते में 3 है ना, उनके तीसरा, और छोटे छोटे जो भूमि पूजन थे करीबन 10-12 हो गए, यानी वार्ड 47 में लगातार लास्ट 10 दिन में कार्यक्रमों के मालिका हम देख रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आम तौर पर जब घर में इतना प्रॉब्लम होता है तो कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता नहीं है, वो अपनी ही समस्या से चिंताग्रस्त रहता है। लेकिन ये तिवाना फैमिली इस तरह की फैमिली है कि न भूतो न भविष्यति, इतनी समस्या होने के बावजूद भी अपना कर्तव्य अपना कर्म को भूले नहीं है और जो उनकी प्रतिबद्धता इस मलार के वार्ड 47 और मलार की जनता के लिए ये पूरी कर रहे हैं, इसके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें। ये एक अतुलनीय धैर्य है क्योंकि जिस माहौल से वो जा रहे हैं यह अपने आप में अलग है और ये किसी किसी के विचारों के बाहर है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि ये शक्ति उनमें है जो धक्के को सहन करने की क्षमता है और उससे उठकर काम करने की है, ये दिन दिन दुगना चार चुगना बढ़ती जाए तभी कामयाबी इनको जरूर चूमती रहेगी। मित्रों, जो विषय अभी तेजिंदर जी ने लिया है चंद्रयान, ये हम सबका फक्र का विषय है। ऑफकोर्स ड्रीम प्रोजेक्ट जया तिवाना जी का है लेकिन साकार तो आप कर रहे हैं ना भाई। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है और ऐसी सोच है जो हम सबके फक्र का है। जब चंद्रयान का टीवी पे दिखा रहे थे, मुझे याद है पहले बार हम फेल हो गए तब वो मोदी जी का फोटो हमने देखा था, जब वो साइंटिस्ट हमारे जो चेयरमैन साहब थे इसरो के, उनको गले लगाया था, वो गले उन्होंने लगाया लेकिन हमारा जो सीना था वो गर्व से ऊंचा हो गया। भले हम हारे लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने साइंटिस्ट को जिस तरह गले लगाया और उसका हौसला अफजाई की, उसके कारण हमें लगा दुख तो है लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सभी के साथ है, सभी के सुख दुख के साथ है और सभी को प्रेरणा देने वाला काम करता है।